आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बुधवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय से सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में नेताओं और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। पार्टी के नेता व कार्यकर्ता हाथों में नारे लिखी तख्तियों के साथ दिखाई दिए। इन तख्तियों पर लिखा था, उत्तर प्रदेश के विकास व खुशहाली का प्रतीक है लाल टोपी, किसानों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने का प्रतीक है लाल टोपी। जुलूस के दौरान पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। जुलूस पार्टी कार्यालय से कुंवर सिंह उद्यान, कलेक्ट्रेट चौराहा, नेहरू हॉल तिराहा होते हुए पुनः पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के लाल टोपी पर कोई अंगुली ना उठाए तो ठीक है, क्योंकि लाल टोपी के मैसेज को प्रदेश की जनता ने वर्ष 2012 से 2017 तक देखा है। 5 सालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो विकास के कार्य किए वो सब लाल टोपी के ही काम है। इस समय लोग सपा के साथ बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए हैं और जनसभाओं में अपार भीड़ देखकर इस तरह के बौखलाहट भरे बयान दिए जा रहे हैं। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जनता को भटका रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवर। देखिए, लाल टोपी ये आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था। ये लाल टोपी डॉक्टर लोहिया, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण, तमाम समाजवादियों का ये पहचान रही है लाल टोपी। और आज देश के प्रधानमंत्री लाल टोपी से घबरा गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता लाल टोपी वालों को लाना चाह रही है, लाल टोपी की सरकार बनाना चाह रही है। प्रदेश की योगी सरकार से आम जनता ऊब चुकी है। प्रधानमंत्री जी को यह लग रहा है कि प्रदेश अब नहीं बचेगा, इस नाते लाल टोपी वालों को ही निशान बना रहे हैं। लेकिन लाल टोपी वाले इससे घबराने वाले नहीं है। आने वाले दिनों में लाल टोपी की सरकार बनने जा रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए हम भाजपाइयों को बताना चाहते हैं, ये लाल टोपी अब आपके कहने पर रुकने वाली नहीं है। जब तक उत्तर प्रदेश की गद्दी पर लाल टोपी का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनकर के नहीं बैठ जाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।